गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे अपने मॉक टेस्ट की। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी करा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करा भी रहे हैं। अभी हमारे पास 8 दिन हैं और 8 दिन में हम कोशिश करेंगे फिर से पूरा रिविज़न करने का जो भी हमने पढ़ा। उसी क्रम में हम सितम्बर की बात करेंगे आज, सितम्बर और सितम्बर मंथ में हमें क्या क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग के डेज 1 to 5 सितम्बर की हम बात करेंगे आज अपने क्वेश्चन आंसर में। और जो भी मेरे पिछले मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए कृपया करके, अच्छे लेवल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं। आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आप मेरी प्रोफाइल सर्च करके उसे फॉलो कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स के लिए। और आप अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते हैं, फॉर वन ईयर की फीस आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है कितनी, 6,000 रुपए। लेकिन जब आप 6,000 रुपए खर्च करते हो तो एडमिशन लेते टाइम पर बस ये AM लाइव, ये मेरा कोड है, इसको डायल कर दीजिए। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका डिस्काउंट पढ़ के आपको 5,400 रुपए पड़ेंगे, 5,400। ये 1 साल के लिए अनअकैडमी पूरा आपका हो जाएगा। जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स पढ़ा रहे हैं, उन सबकी प्रोफाइल आपके लिए ओपन हो जाएगी। AM लाइव कोड गाइज ये मेरा कोड है, इसे आप ध्यान दे सकते हैं। SSC, रेलवे, UPSC, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए कोड काम करेगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। गाइज हमारे पास तो ऐसे बच्चे जो कि अभी बिगनर है उनके लिए 2 साल का मॉडल भी है। 2 साल का मॉडल मीन्स 9,600 रुपए में 2 साल के लिए अनअकैडमी आपका। लेकिन अगर आप ये कोड डायल करेंगे तो उस कोड के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट बन के आपकी फीस 8,640 रुपए ही पड़ती है। चलिए तो हाँ, आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए तभी आप ये सब कर पाएंगे। लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, चूज योर गोल ऑप्शन में जाके बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लेंगे तो आप हमारे डोमेन में आ जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेयर वॉज द इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2019 हेल्ड। भारत का फ्रांस का स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2019 ये कहां पर हुआ, ये आपसे पूछा गया। वी हैव 5 ऑप्शंस, व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा। और गुड मॉर्निंग आशीष झा बोल रहे हैं ल्योन फ्रांस में होगा, प्रेरणा कुमारी बोल रही हैं पेरिस फ्रांस में, और देख लेते हैं यहां पे। चलिए और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर न्यू दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो इंडो फ्रांस का स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2019 न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, फ्रांस आप लोगों को घूमना है, आपका मन है, लेकिन गलत आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर स्काई साइकिलिंग पार्क टू बी ओपन इन विच सिटी। भारत का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क है, इसका इनॉग्रेशन कहां पर हुआ, और आंसर की बात कर ले। यहां पे आशीष झा बोल रहे हैं मनाली, अरविंद बोल रहे हैं शिमला, प्रियंका बोल रही है मनाली, शुभम बोल रहे हैं मैसूर, अंशुल बोल रहे हैं मैसूर, एंड द आंसर इज मनाली, ऑप्शन नंबर ए। मनाली हमारा सही आंसर है। और देख लीजिए यहां पे 350 मीटर लंबा है और 9,000 फीट हाइट पर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स ने मिलकर इसे बनाया है, तो ये भी आपके सामने हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइस। नेम द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड G7 शेरपा टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हु विजिटेड इंडिया। ये जो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे ये उसी का पार्ट है। तो इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग में किसने पार्टिसिपेट किया फ्रांस के साइड से, ये आपसे पूछा गया। एंड वी हैव 4 ऑप्शंस, और यहां पर रिस्टोनशिल बोल रहे हैं बॉन, आशीष झा बोल रहे हैं बॉन, सारे बच्चे बोल रहे हैं बॉन, मतलब इमैनुअल बॉन, एंड द आंसर इज इमैनुअल बॉन इज राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन को और तीसरे क्वेश्चन को हम क्लब कर देंगे तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये इंडिया में आए, न्यू दिल्ली में हुआ था इसलिए इंडिया में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज वॉन द 2019 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार गाइज आपको बताया कि जो हमारे देश में नेशनल मतलब जो गेम्स पे अवार्ड मिलते हैं, जस्ट लाइक अर्जुन अवार्ड हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, तो उसी सेरेमनी में इनको भी अवार्ड मिला। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गगन नारंग होगा। गगन नारंग अकेले नहीं, इनके साथ पवन सिंह भी हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पे गगन नारंग और पवन सिंह इन दोनों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन बनाया है, इसीलिए इनको यह अवार्ड दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 46th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी फॉर द ईयर 2019। 46वां मीटिंग ऑफ द सेंट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी फॉर द ईयर 2019। वी हैव 5 ऑप्शंस, व्हाट इज योर आंसर गाइस।
अभिजीत विश्वास जी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो और आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत खुश हैं हम लोग। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दुर्गा शंकर मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर थ्री। तो 46th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी को चेयरमैनशिप किसने दी, मतलब कि इसकी अध्यक्षता किसने की? दुर्गा शंकर मिश्र जी ने। ये कौन है वो भी देख लेते हैं। देखिए तो दुर्गा शंकर मिश्र जी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है। और इस 46th मीटिंग में टोटल 865 प्रपोजल्स, 865 प्रपोजल्स 10 स्टेट में अप्रूवल मिला और 2.99 लाख हाउसेज, मतलब नियर अबाउट 3 लाख हाउसेज जो हैं वो बनाए जाएंगे 15,109 करोड़ में, 15,109 crore में। और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस होगा 4,482 करोड़, ये भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है यहां पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Which state government has recently announced ₹4,750 crore interest and penalty waiver on crop loans for farmers who had borrowed from primary agriculture cooperative society? तो ये सब questions मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैंने आपसे बोला ना हम revision कर रहे हैं। आज question की संख्या थोड़ी कम है because थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, but कल आपको question की संख्या और बड़ी मिलेगी। चलिए answer की बात करें, answer is हरियाणा government, option number D is absolutely right answer। 4,750 crore रुपए का waiver मिला है, ठीक है, याद रखेगा। Which countries tied at the top spot in the Ipsos Global Happiness Survey? Ipsos Global Happiness Survey में टॉप पर कौन था? दो देश थे, ये आपसे पूछा गया। अगर आपको इंडिया की रैंक पता है वो भी बता दीजिएगा, इंडिया की रैंक। शुभम बोल रहे हैं कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, सोचना बोलिए ई ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा है, ऑप्शन नंबर 5 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। और मैं आपको दिखा दूं, इंडिया की रैंक है 9th विद 77% ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स, 9th रैंक है भारत की, इंडिया की रैंक 9th है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं आपको दिखा दिया, ब्लर मत हो, मत हो, मत हो, मत हो, मत हो। अरे भाई मैं तो आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपके सामने क्वेश्चन। नेम द टेक फर्म दैट हैज पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉन्च अ बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, लॉन्च अ बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, सही आंसर दीजिएगा। सोनम बोल रहे हैं गूगल, शुभम बोल रहे हैं आईबी, मीनू बोल रहे हैं गूगल, व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट हमारा सही आंसर है, ना कि गूगल ना तो आईबीएम। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वॉज द सैफ मीन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 15 चैंपियनशिप 2019 हेल्ड? ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आंसर सही आने चाहिए। अब आईबीएम ने किसके लिए किया, गूगल ने किसके लिए किया, तुम लोग सर्च कर लो। प्रियंका बोल रही काठमांडू, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो कमेंट, डिलीट कर दो, गूगल है। अच्छा मैं भी एक बार देख लेता हूं, वैसे आंसर इज वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कहां पे? तो वेस्ट बंगाल में कल्याणी स्टेडियम, वेस्ट बंगाल में कल्याणी स्टेडियम। इंडिया जीता, इंडिया ने नेपाल को हराया वो अलग बात है, ठीक है। सोनम एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये बनाया तो गलत होने की संभावना थोड़ी कम होगी। हाँ गलती होगी तो मेरे से ही होगी, बिकॉज मैंने ही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे लंबा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल का इनॉग्रेशन किसने किया, ये आपसे पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वेंकैया नायडू जी हैं। आइए पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो वेंकैया नायडू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, टोटल 6.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये चेरलोपल्ली और रापुरू इसको जोड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग आई है 437 करोड़, मतलब टोटल कॉस्टिंग किसके किसके बीच में लिंक कर रही है और किसने इनॉग्रेशन किया, टनल की लेंथ कितनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिएगा यहां से। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली? तो ये भी आपको पढ़ाया गया पहले ही, और मैंने कहा ना रिवीजन है, हम रिवीजन कर रहे हैं, बड़ी तेजी से रिवीजन करेंगे सारे सारे पॉइंट का। वी हैव 5 ऑप्शंस, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जर्जन स्टॉक है, जर्जन स्टॉक ऑप्शन नंबर 5। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पे है जरा मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
तो जर्जन स्टॉक भारत के दौरे पर आए क्योंकि आपको पता है कि 2022 का इंटरपोल जनरल असेंबली इंडिया न्यू दिल्ली होस्ट करेगा, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लियोन फ्रांस, ठीक है, बाय विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम विल बी मेड अवेलेबल टू द 100 सिटीज, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये किस साल किस ईयर तक 100 शहरों में पहुंच जाएगी, ये आपसे पूछा गया और आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर होगा? क्या भाई तुम भी यार कहे परेशान कर रहे हो। और देख लेते हैं, आराधना जी बोल रहे 24, सौरभ दास बोल रहे 22, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 22 है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, 2022 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज बाई द हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पपुआ न्यूगिनी एंड फिजी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पपुआ न्यूगिनी फिजी मतलब 4 शोकेस पैसिफिक रीजन कल्चर इन इंडिया, न्यू दिल्ली में ये हुआ था, क्या नाम इसका नाम बताइए, 4 देश नाम है रखना। आंसर इज नमस्ते पैसिफिक, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, नमस्ते पैसिफिक हमारा सही आंसर है। वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ द एक्वा एक्वारिया इंडिया फॉर द ईयर 2019, कई बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एग्जाम में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। और इंडिया इज द सेकेंड लार्ज, इसमें इसी इवेंट में बताया गया कि भारत दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में, विद अ प्रोडक्शन ऑफ 13.70 मिलियन टन ड्यूरिंग 1819, इट अर्न्स 10% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम फिशरीज, देख लीजिएगा ये भी। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्नैक्स फेस्टिवल 2019 हेल्ड, स्नैक्स फेस्टिवल, वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्नैक्स फेस्टिवल 2019 हेल्ड, ये पूछा गया, आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने पहले पूछा हुआ है आपसे, नदुम बंगम चुंदन द स्नेक बुट ऑफ विच क्लब लिफ्टेड द 67th एडिशन ऑफ द नेहरू ट्रॉफी एट द पुनमडा लेक, ये सब कुछ याद रख लेना भैया, देख लो अलपुजा शहर है, लेक का नाम के सामने है, नेहरू ट्रॉफी की बात हो रही है, कौन से क्लब के कौन से बोट ने जीता, ये सब कुछ आपके सामने है। आंसर इज पल्ला थुर्थी बोट क्लब, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है आपसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द न्यू लोगो एंड सर्टिफिकेट डिजाइन फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इन कोलाबोरेशन विद द टेक्निकल सपोर्ट टीम ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इस लोगो का इनॉग्रेशन प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, मैं आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दूं। और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए, सही आंसर आने शुरू हो गए, रोहित देवगन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, रोहित देवगन ने इस लोगो को बनाया था, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज अनवील्ड द न्यू लोगो मींस प्रकाश जावड़ेकर एंड सर्टिफिकेट डिजाइन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, हु इज द चेयरमैन ऑफ CBFC। And the answer is Prasoon Joshi, option number E is right answer. Next point. Name the Indian Navy warship which visited Liem Chaban, Bangkok, Thailand for port call. तो भारत के दो INS जो है वो अभी बैंकॉक थाईलैंड के दौरे पर गए थे, वो कौन से हैं? ये आपसे पूछा गया है नाम। शुभम बोल रहे हैं शयाद्री किल्टन, और इसका आंसर क्या होगा? INS शयाद्री एंड INS किल्टन, INS शयाद्री एंड INS किल्टन, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ ECL फाइनेंस लिमिटेड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वी हैव 5 ऑप्शंस, व्हाट इज योर आंसर? एंड द आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, विच इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर्ड विद अमेजन वेब सर्विस इन डेवलपिंग नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स पोर्टल टू डेवलप एंड प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग फॉर ऑल AI लर्नर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। और यहां पे आंसर आ रहे हैं IIT खड़गपुर, क्या ये सही आंसर होगा? तो IIT खड़गपुर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री हैज इलेक्टेड ओलेंस्की होनेक होनचरुक
एज इट 17th प्राइम मिनिस्टर ओलेक्सी होनचरुक, ठीक है गौरव जी, गुड मॉर्निंग। और आंसर क्या होगा? आंसर इज यूक्रेन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, यूक्रेन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, विच एंटिटी हैज अपॉइंटेड प्रवीण जाधव एज इट्स एमडी एंड सीईओ ऑन सितंबर 2019? और यहां पर आंसर की बात कर ले, आंसर इज पेटीएम मनी, ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ईस्टर्न आर्मी कमांडर ऑन सेप्टेंबर 1? एमएम नरावने जी को रिप्लेस किया है इन्होंने, और देख लीजिए आंसर दीजिएगा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर ठीक है। और इसके आंसर की बात कर ले, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, अनिल चौहान सही आंसर। Which state is set to host the 25th senior women national football championship? 25वां senior, देखो ये host की बात हुई है, आपको तो winner भी याद होगा, तो जरा मुझे winner का नाम भी बता दीजिएगा। वैसे ये कहां पर हुआ ये तो आपको पता ही होगा, simple question है। अरुणाचल प्रदेश आप लोग बोल रहे हैं, answer is अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किसने जीता मुझे ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा। तो 25वां senior women national football championship ये पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हुआ, पहली बार हुआ वहां पर, मणिपुर 20वीं बार कि मिजोरम 20वीं बार। अब ये देखो उम्मीद से दुनिया कायम है, रेलवे तो हार गया था ना फाइनल मैच, रेलवे ही तो हारा है। अभी भी मणिपुर और मिजोरम में दिक्कत है आप लोगों को, हाँ देख लीजिए भैया ये सब एग्जाम है आप लोग के। हु बिकेम द थर्ड यंगेस्ट विनर इन फॉर्मूला 1 हिस्ट्री आफ्टर विनिंग 2019 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? थर्ड यंगेस्ट विनर बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है भाई? आंसर क्या होगा? आंसर इज चार्ल्स लेक्लेयर, चार्ल्स लेक्लेयर मस्टीज की गाड़ी चलाते हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं, मोनाको ये भी देख लीजिएगा, मोनाको एंड मस्टीज ठीक। नेम द क्रिकेटर हु सरपास्ड शाहिद अफरीदी एंड बिकम द हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर। इन्होंने 100 विकेट ले लिए, शाहिद अफरीदी ने 98 ही विकेट लिए थे। And the answer is Lasith Malinga, option number 3 is right answer, Lasith Malinga हमारा सही answer है। तो देख लीजिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में इन्होंने कारनामा किया, ठीक है, और इन्होंने 74 मैचेस में मलिंगा ने 99 मैच विकेट ले लिए, और जबकि अगर बात करें अफरीदी की तो अफरीदी ने 98 विकेट्स इन 99 मैचेस में लिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। Who is the author of the book titled India's Lost Frontier, the story of the Northwest Frontier, province of Pakistan? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राघवेंद्र सिंह है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, राघवेंद्र सिंह इज राइट आंसर। What was the theme of the World Coconut Day? World Coconut Day 2nd September को मनाते हैं, थीम पूछा गया आपसे, what is the theme? और आंसर की बात करें, कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच बिकम्स इंडियाज फर्स्ट बैंक टू डिप्लॉय रोबोटिक आर्म्स एट इट्स करेंसी चेस्ट टू? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने बोला रिवीजन कर रहे हैं हम लोग फाइनली, कल से आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, आज क्वेश्चंस कम है थोड़े हमारे पास, बट कल से क्वेश्चन और मिल जाएंगे आप लोगों को। आंसर इस आईसीआईसीआई बैंक, बट जो पॉइंट मैं बोलूंगा उस पर फोकस थोड़ा करना। देखो आईसीआईसीआई बैंक रोबोटिक आर्म्स ये तो आपको पता ही है, 14 मशीन्स लगाई गई हैं 12 सिटीज में, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। अगर काउंट करने की कैपेबिलिटी की बात करें तो 6 मिलियन नोट पर डे, और अगर हम पूरे साल की बात करें तो 1.80 बिलियन नोट। ये वाला पॉइंट मुझसे मिसिंग, मतलब मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूं। 1.8 बिलियन नोट्स एनुअली काउंट कर सकता है, 6 मिलियन नोट्स इन अ वर्किंग डे, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। एनुअली वाला पॉइंट जी गौरव जी, सारे कोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है।
वेयर वॉज द फोर्थ साउथ एशिया स्पीकर समिट? ओम बिरला जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसमें. युगांडा में हुआ कि माले में हुआ भाई अरविंद? सब माले ही बोल रहे, युगांडा में नहीं हुआ. अच्छा चलो तुम लोग बोल रहे हो तो माले इज राइट आंसर. माले हमारा सही आंसर है. चौथा साउथ एशियन स्पीकर समिट की बात हो रही है. हु इनॉग्रेटेड द गर्वी गुजरात भवन इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में गर्वी गुजरात भवन का इनॉग्रेशन किसने किया? टोटल कॉस्ट कितनी है ये भी आपको बतानी है. अच्छा सोनम, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं मालूम था. और यहां पर सब लोग मोदी बोल रहे हैं. रामनाथ कोई है ही नहीं, अंशुल राजनाथ सिंह जी हैं. मैंने रामनाथ कोई है ही नहीं है. एंड द आंसर इज नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. तो गर्वी गुजरात भवन की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने गर्वी गुजरात भवन का इनॉग्रेशन किया दिल्ली में. टोटल कॉस्ट 131 करोड़, 131 करोड़, ये देख लीजिएगा टोटल कॉस्ट. हैदर अली जी, वेटिंग लिस्ट तो क्लियर हो जाती है लगभग हर एग्जाम में होती है, हो जाती है क्लियर, एक साल बाद होती है, लेकिन मतलब कभी भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम एक साल. वेयर वॉज द 72nd सेशन ऑफ द WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया इनॉग्रेटेड? 72nd सेशन हर्षवर्धन जी ने चेयरमैनशिप की इस इवेंट की. एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर टू इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. नई दिल्ली हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फंड आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इंडिया टू द ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया फॉर द 6th रिप्लेनिशमेंट साइकिल? वी हैव 5 ऑप्शंस, आंसर दीजिएगा. गाइज कल से मैं कोशिश करूंगा कम से कम 100 क्वेश्चन आपको मैं लेकर आऊँ, तो हो सकता हूँ कि 100 क्वेश्चन ही मिले आपको. 100 नहीं मिलेंगे तो 90 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, लेकिन वैसे ही चलेगा हमारा, ठीक है. एंड द आंसर इज 22 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहां पर. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन जी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 22 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और 10% का जंप किया है, मतलब कि पहले 20 मिलियन किया था, 22 हो गया. सो फॉर इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 46.5 मिलियन टिल 2019. ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 46.5 मिलियन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 46.5 मिलियन. बार बार क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं है कि आप करें, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट जो हमने नहीं किए हैं वो ध्यान देने वाली बात है, इसलिए क्वेश्चन आपको सेम दिखाई पड़ रहा है यहां पे. नेक्स्ट पॉइंट, हु हेडेड द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी दैट सबमिट द रिपोर्ट टाइटल्ड स्टीयरिंग कमेटी ऑन फिनटेक? आंसर दीजिएगा. और यहां पे आशीष जी आप बोल रहे हैं तारू चक्रवर्ती, अच्छा सौरभ दास भी वही बोल रहे हैं, मैंग भी वही बोल रहे हैं, सुष्मिता वेरी गुड, इंजेति श्रीनिवास वेरी गुड. और देख लेते हैं आंसर. शालिनी वेरी गुड, आजीश वेरी गुड, दो ही तीन लोग बस मिसगाइड हुए, सौरभ दे मिसगाइड हो चुके हैं मुझसे. वैसे इसका आंसर अतानु चक्रवर्ती ही है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, अतानु चक्रवर्ती इज राइट आंसर. बहुत लोगों ने अब यहां पे देना आंसर शुरू किया है इंजेति श्रीनिवास को, लेकिन अतानु चक्रवर्ती हमारा सही आंसर. तो एक कमेटी बनी थी फिनटेक पर और इस पे उसको लीड किया था कमेटी को है श्री अतानु चक्रवर्ती, जो कि कौन है, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, ठीक है, देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद जापानीज एनर्जी मेजर जेरा? जेरा पॉइंट याद रखना है आपको, 750 मेगावाट प्लांट याद रखना है इन बांग्लादेश. ऑफ कोर्स आपको आंसर पता होगा, लेकिन ये सब जो पॉइंट है इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा. एंड द आंसर इज रिलायंस पावर, रिलायंस पावर 750 मेगावाट प्लांट बांग्लादेश, जेरा जापानीज एनर्जी कंपनी है, ठीक है. चलिए थैंक यू सो मच गाइस, कल मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा. अभी हम सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, ये सब कवर करने वाले हैं, थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे 1:30 पर, 1:30 फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस. थैंक यू सो मच गाइस.